मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपके गणित की क्लास डीपीडी सर के साथ यूट्यूब चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में समझाने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ विशेष मेथड जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जैसे मेथड को विद एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखें और अपने को नोट्स बना लें। कंपरेटिव एग्जाम में बैठने वाले बच्चे जैसे आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे, एसएससी, अदर कंपरेटिव एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं, जिसे देखकर समझ करके आप नोट्स बना लें। पिछली वीडियोज में हमने आपको नंबर सिस्टम की दो वीडियोज दिए थे, उसमें नंबर ऑफ टाइप्स आपको समझाए थे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ डिवाइड रूल समझाए थे और नंबर्स के आपको हमने उसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन भी समझाए थे। उन दोनों वीडियोज के आधार पर उनको बेसिक नॉलेज के लिए आपको दिए गए थे। आज की वीडियोज ऐसी है कि जो रियल नंबर पूर्ण रूप से उस पर डिपेंड है। अब रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो 10th क्लास एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर है और कंपरेटिव एग्जाम आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे, अदर कंपरेटिव एग्जाम में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे दो नंबर दे देंगे आपको जिसका आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा ज्ञात करना होता है और ऐसे फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्याएं दे देंगे जिनको न्यूनतमीकरण करना होता है और ऐसी संख्याएं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं पाओगे कि ये किससे हाली डिवाइड होंगे, तभी तो आप किसी भी फ्रैक्शन को न्यूनतमीकरण करेंगे। तो इन सब तमाम चीजों को हम इस चैप्टर में सीखेंगे जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर मींस हमने आपके लिए कुछ चार्ट बनाए हैं। इस चार्ट को विधिवत जो पिछली वीडियोज को देखते हुए लिखे हैं उन्हीं के आधार पर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं अ नंबर विच इज आइदर रेशनल आर इरेशनल इज कॉल्ड अ रियल नंबर। वी डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर बाई आर। अब इस रियल नंबर में क्या है मेन चीजें उनको जरा ध्यान से देखें। तो रियल नंबर, नंबर एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं नेचुरल मतलब हमारी नेचुरल में क्या थी, काउंट करना रहता था, वो एक से शुरुआत करते थे, एक सेब, दो सेब, तीन सेब है, चार सेब है, इस प्रकार से काउंट करते थे। वो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं जो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता है 3,2 बिलोंगिंग टू एन। इसका अर्थ आपको समझना होगा 3 और 2 ऐसी दो संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्याओं से ली गई है या उसमें बिलोंग करती है, बिलोंग टू सिंबल होता है, तो इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पहली संख्या नेचुरल की होती है, प्रथम प्राकृतिक संख्या, वो 1 फिर 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के एन तक, एनी नंबर नेचुरल नंबर। दूसरा फिर आता है होल नंबर, क्या है होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं जब तक 0 नहीं हुआ तब तक ये पूर्ण नहीं हुई, जब उठा करके इसमें 0 डाल दिया गया ले आए
तो ये एक पूर्ण संख्या के रूप में मानी गई, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जीरो से प्रारंभ हो करके और सभी प्राकृतिक संख्याओं को मिला करके ये पूर्ण संख्या कहलाई। ध्यान रखिएगा, होल नंबर, होल नंबर के बाद में आ जाइए इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स मींस पूर्णांक संख्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होती हैं। जीरो प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी, दो प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकता है, थ्री प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, एनी नंबर। इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर बोले तो पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याओं को दो कैटेगरी में बांटा गया, नंबर एक और नंबर दो। यहां पर नंबर एक आपको बांटा इसको जिसमें से धनात्मक संख्याओं को ले लिया, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। जो धनात्मक संख्याएं होती है इसको हम जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं यानी एक दो तीन चार पांच डॉट 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 ये अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर, धनात्मक पूर्णांक संख्या कही जाती हैं, और जो ऋणात्मक में होती हैं उन्हें हम निगेटिव इंटीजर नंबर्स बोलते हैं। मींस ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं जो जेड माइनस के रूप में लिखी होती हैं, और इसको माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। फिर उसके बाद में रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वे होते हैं जो p अपान q के फॉर्म में लिखे होते हैं, यानी भिन्न संख्या के रूप में लिखे जाए। p अपान q के रूप में लिखे जाए, और p और q दोनों संख्याएं ये क्या होनी चाहिए? इंटीजर नंबर होनी चाहिए, जिसमें q कभी जीरो ना हो, यानी जो डिनोमिनेटर में लिखा है मीन्स q जो हर है वो कभी जीरो ना हो। थ्री अपॉन जीरो ये नहीं हो सकता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की तीन कंडीशन हमने समझाया था कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद शेषफल जीरो अर्थात वे खत्म हो जाएं, टर्मिनेटिंग। दूसरी कंडीशन, दशमलव के बाद जो संख्याएं आए वे क्रम से आती रहे, जैसे थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर के लिए अगर हम कहें तो टेन अपॉन थ्री डिवाइड करेंगे तो थ्री पॉइंट के बाद में थ्री 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 रिपीट होता रहेगा, तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और पी अपान क्यू के फॉर्म में ऐसी संख्याएं लिखी हो जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। मेन चीज ये कह रहा हूं कि अगर जो भी संख्या है जिसका रिमाइंडर जीरो हो गया आगे चल के, यानी दशमलव के कुछ अंकों के बाद वे संख्याएं खत्म हो गई, पूर्ण रूप से विभाज्य हो गई, उनको हम पी अपान क्यू के रूप में भी बदल सकते हैं, और जो रिपीट हो रही हैं क्रम वाइज उनको भी पी अपान क्यू के रूप में बदल सकते हैं। मींस जो पी अपान क्यू के फॉर्म में हो या हो जाए या बदल जाए, एनी डेसिमल नंबर, पॉइंट नंबर, दशमलव वाली संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में बदल जाए या लिखी हो, ऐसी संख्याओं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर बार बार समझा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी बड़ी भूमिका होती है रियल नंबर में। अब रियल नंबर यानी इरेशनल नंबर आ गया। अब इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जो रेशनल ना हो, रेशनल नंबर ना हो, रेशनल नंबर ना हो।
ऐसी संख्याओं को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, यानी जो पी अपान क्यू के रूप में ना हो और ना बदली जा सके। एग्जाम्पल के रूप में पाई, छोटा सिग्मा, रूट दो, रूट तीन, रूट पांच, रूट छ, रूट सात, रूट, इन सब की वैल्यू अगर देखोगे तो दशमलव के बाद कभी रिमाइंडर जीरो आएगा ही नहीं, यानी कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, और ना तो ये क्रम से रिपीट होंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की बात आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मींस ऐसी संख्याएं जो एक और खुद से विभाज्य हो, अन्य संख्याओं से वो विभाज्य ना हो, ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट प्राइम नंबर, आधे बच्चे तो वन टिक करते हैं, आधे तो टू समझ पाते हैं। तो प्राइम नंबर यानी ऐसी संख्याएं जो दो से प्रारंभ होती हैं, दो है, तीन है, तीन किसी से नहीं कैंसिल होगा, फाइव या तो फाइव से ही कैंसिल होगा या तो वन, सेवन या तो सेवन से कैंसिल होगा या तो वन, अदर किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। इतनी ये जरूरत की हमारी सारी चीजें हैं जिन्हें आप अपना चार्ट बना करके अपने स्टडी कक्ष में लगा लें और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, ओके, नोट्स बना लें, काफी अच्छे से तैयार करें। और अब आइए क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर के कुछ ऐसे पॉइंट हैं उनको क्लियर करके फिर एक्सरसाइज आपको कराएंगे। कंपेटिटिव एग्जाम के मेरे दोस्तों, बैठने वाले मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना मेरी इस बात को कि आपको जो है एक एक पॉइंट पर बेसिक डिस्कस करेंगे और उसमें ऐसी चीजें हैं जो पूरा वीडियो अगर अंत तक देखेंगे तो आज के एग्जाम्स, आज के वीडियो से आपके कंपेटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन होने वाला है, ओके। आइए अब हम अगले पॉइंट पर आपसे डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऐसा एक मैथ का मेथड है जो कई जगह पे जरूरत पड़ती है और आइए इस मेथड को समझते हैं और इनसे रिलेटेड एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियर करते हुए आज की ये वीडियोज इतनी इंपॉर्टेंट है टेंथ क्लास और कंपेटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हर स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियोज को अंत तक देखेंगे तो अपने को कंपेटिटिव एग्जाम में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को करने की एक शॉर्ट ट्रिक, एक अंदाज खुद निकाल लेंगे। कहते हैं कि बेस क्लियर होना चाहिए, बुनियाद की अगर मजबूत है तो मंजिले पे मंजिल खड़ी करते चले जा सकते हो, अगर बुनियाद नहीं मजबूत है तो ट्रिक नहीं काम देती है। कुल मिलाकर के मेन टाइम इन एग्जाम में जब तक आपको मैथ का मेथड नहीं क्लियर है, मैथ का मेथड नहीं क्लियर है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रगण, मेरे प्यारे छात्र, एक शब्द कहते हैं डीपीडी का मतलब डीपली में पढ़ा देते हैं और इतनी सरलता और आसानी से हर क्वेश्चन को क्लियर हो जाता है जिसका दूसरा नाम डीपीडी है। आइए डीपीडी सर के साथ मन से, तन से, धन से वीडियोज को पूरा देखें। ये एक ऐसा मेथड है जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। If A and B are any two positive integers, यानी A और B
तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिए गए हैं, देन दियर एग्जिस्ट यूनिक नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है। इंटीजर्स क्यू एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्यू एंड और सच दैट ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर आर जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, परंतु बी से जो है वो छोटा होगा। अभी आपको हम क्लियर करते हैं इस बात को, क्यों ऐसा कहते हैं। पहले इनकी स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए, डिफिनेशन देख लीजिए। ए को क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, और बी को क्या बोलते हैं, डिवाइजर, और क्यू को क्या बोलते हैं, क्वेटियन, और आर को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसी प्रकार हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने लिख रखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। प्रमेय एक ऐसे ये प्रमेय थी जिसके आधार पर अन्य तमाम चीजों को हम सरलता पूर्वक सिद्ध कर सकते हैं, मींस यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेष फल आर प्राप्त हो, जहां आर यानी शेष फल रिमाइंडर जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो सकता है परंतु बी से वो सदैव छोटा रहेगा, जिसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी गुणे क्यू बराबर प्लस आर के। ए इक्वल टू बी गुणे क्यू प्लस आर। ए को क्या कहेंगे, भाज्य बोलते हैं, बी को क्या कहेंगे, भाजक, और क्यू को क्या कहेंगे, भागफल, और आर को क्या कहेंगे, शेषफल। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। आइए इस डिफिनेशन को हम मैथमेटिकल से क्लियर करते हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल, हम आपसे कहते हैं 27 डिवाइडेड बाय 5, यानी यहां पर हम दो नंबर ले लिए 27 और 25। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ये देखेंगे कि 27 और 5 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 27 बड़ी है 5 से। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, जो ए और बी, इसी को हम ले लेते हैं ए और ये बी। अब यहां पर देखा जाए तो ए सदैव बी से बड़ा होना चाहिए, नंबर एक पॉइंट आप ये क्लियर करिए। हमेशा ध्यान रखिए कि ए जो है मींस डिवाइडेंड जो है यानी भाज्य, वो हमेशा भाजक यानी डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए। अब 27 को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, जनरली जो डिवाइड करते चले आए, जब डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 5 लेस करेंगे, रिमाइंडर 2 मिलेगा, और इधर आपको 2 से 2 0 हो जाएगा। अब यहां पर ये जो 5 है, इस 5 को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, मींस भाजक। और जो ये 27 है,
27 को डिवाइडेंड बोलते हैं। ट्वेंटी सेवन को यानी जिसे हम कहते हैं भाज्य। हिंदी मीडियम के मेरे मित्रों और इंग्लिश मीडियम चाहे जो मीडियम हो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं। और फाइव क्या है? फाइव आपका जिसे हम कहते हैं भागफल, मीन्स क्वाड्रेंट। मैथ का मेथड क्लियर होना चाहिए, चाहे कंपिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहे आप टेंथ क्लास में हो। अब इसे आर को क्या बोलेंगे? आर को बोलेंगे हम रिमाइंडर यानी शेषफल। रिमाइंडर, आप जरा विचार करिएगा, 27 यानी 5 मल्टीप्लाइड में भागफल कितना है? 5 है। सॉरी, यहां पर आपका डिवाइजर कितना है? 5 है। 5 इंटू 25 का जो ये भागफल आया, 27 का जो भागफल आया है वो कितना है? 5। और प्लस रिमाइंडर कितना है? 2 है। मल्टीप्लाई करें, 5 5 25 प्लस 2 ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा? 27। ये है यूक्लिड डिवीजन डिवाइजन लेमा, यानी यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय है, प्रमेय का, वो इस प्रकार से। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 37 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 37 और 4। ये सेकेंड एग्जाम्पल आपके समक्ष रख रहे हैं, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद जो मेथड आने वाला है वो आपके बड़े काम की चीज है। तो 37 लार्जर नंबर की 4, तो 37 बड़ा है 4 से। अब 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36 कैरी कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। कैरी नहीं, सॉरी, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 37 को लिख सकते हैं 4 multiplied 9 plus 1। अब ये क्या है? 37 डिवाइजर है मींस ए। 4 क्या है? 4 आपका डिवाइडेड है, जिसे हम बी के नाम से यहां डिनोट कर रहे हैं। 9 क्या है? जिसको हम क्यू के नाम से नोट करते हैं, बोलते हैं क्वाड्रेंट। और प्लस 1 क्या है? रिमाइंडर आर, रिमाइंडर आर। कुछ इस प्रकार के जो मैथ के कॉन्सेप्ट यानी मेथड है उसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक ऐसे मेथड सर्वप्रथम आया, उसके बाद में हम हमारे गणितज्ञों ने इसी के आधार पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड दिया। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया, ये दोनों मेथड अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे से, इसी से वो क्लियर की जाती है।
वो जब तक लागू किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, उसी को कहते हैं एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम, इसके बाद मैथड को समझिए, और वो ऐसा है कि अगर समझ गए तो बहुत ही आपके काम आने वाली चीज है। विद एग्जांपल भी आपको समझाएंगे। आइए, यूक्लिड्स डिविजन्स एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक ऐसा मेथड है जो बेस्ड ऑन द यूक्लिड्स डिविजन लेमा। मींस क्या कह सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द यूक्लिड्स डिविजन लेमा एंड इज अ टेक्निक टू फाइंड द HCF, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन हो, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना हो, तो इस टेक्निक का यूज करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेस्ड पर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने की जो टेक्निक है, उस टेक्निक को हम कह सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन्स एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन्स एल्गोरिथम, जिसे हम कहते हैं क्या हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित है। यानी एल्गोरिथम जो मेथड है वो किस पर आधारित है, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित है, लेमा पर आधारित है। इसमें दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का कॉमन फैक्टर यानी मासा, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। आइए इसको समझते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ इसको विधिवत क्लियर करते हैं। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे आपको आज हम, वीडियो लंबी जरूर होगी, लॉन्ग टाइम जरूर चली जाएगी, बट क्लियर इसी वीडियो में आपको हो जाएगा। और निश्चित है 10th क्लास के क्वेश्चन तो होंगे होंगे, आप जब कभी भी कंपिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे या कुछ बच्चे बैठ रहे होंगे इस टाइम, उनको ये बहुत मदद मिलने वाली है। मान लेते हैं, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए, कि हमने ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर ले लिए। इसमें देख रहे हैं कि ए ग्रेटर है देन बी, ए से, ए जो है वो बड़ा है बी से, तो ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये किस मेथड पर आधारित है, ये आधारित है यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित है। अब यहां पर जब इतना करेंगे उसी के आधार पर, देखेंगे कि यहां पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है। अगर रिमाइंडर जीरो आया, यदि रिमाइंडर जीरो है, तो बी जो होगा, ये जो बी होगा, ये क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी का। याद रहे जब रिमाइंडर जीरो आ जाए, और रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फिर से वो प्रक्रिया शुरू करेंगे, कौन, यूक्लिड्स डिविजन्स लेमा। अब उसमें देखेंगे बी और क्यू में, कि बी बड़ा है क्यू से, तो b इक्वल टू फिर लगा सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड पर, b इक्वल टू क्यू इंटू आर, क्योंकि रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं, तो जब रिमाइंडर से किसको डिवाइड करेंगे, b को, सॉरी
जो आपका रिमाइंडर बचा है उसको हम डिवाइड करेंगे बी को, तो क्या जाएगा क्यू इंटू आर और प्लस रिमाइंडर आर वन ले लिया यहां पे सेकेंड स्टेप। यहां से हमारा देखेगा ये फर्स्ट स्टेप और यहां से सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो गया, क्यों रिमाइंडर तो जीरो आया नहीं, तो अगले स्टेप में हमें बढ़ना होगा। तो b इक्वल टू क्यू इंटू आर और प्लस आर वन, इसमें रिमाइंडर बचा। यहां पर ध्यान रखिएगा जो आर वन होगा वो जीरो से अधिक या जीरो भी हो सकता है और हमेशा किससे लेस होगा, ये हमेशा जो है क्यू से आर से लेस होगा, आर से क्यों या रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं तो यहां पर आर से लेस होगा। अब यहां फिर देखेंगे कि रिमाइंडर जीरो तो नहीं आया है, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया आर वन इक्वल टू जीरो तो क्यू जो होगा यहां पर वो कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी का होगा। हो सकता है कि आर वन रिमाइंडर यानी जीरो ना आया हो, फिर वही प्रक्रिया शुरू करेंगे यानी तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप यानी आर वन नॉट इक्वल टू जीरो देन क्यू ग्रेटर देन आर। तो अब क्या करेंगे क्यू इक्वल टू आर इंटू आर वन इक्वल टू आर टू, आर टू यहां पर रिमाइंडर फिर आर टू आ गया, वही क्रिया आपकी चलती रहेगी। अभी हम आपको एग्जाम्पल लेकर के विधिवत क्लियर कर देते हैं। अब यह हो सकता है कि रिमाइंडर जीरो आ गया हो, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया आर टू यानी जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा आर इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, नहीं आया फिर यही स्टेप आगे आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाएगा, तो जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा फिर वहीं से आप जिस संख्या को किससे भाग किए थे वही आपका रिमाइंडर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। आइए आपको एग्जांपल के माध्यम से इस मेथड को क्लियर करते हैं। आपको एक्सरसाइज 1.1 जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, यूज यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। बट एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको देंगे, हम सिर्फ इस मेथड को आपको समझाना चाहते हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब एचसीएफ जो फाइंड करते हैं हम लोग जनरली थ्री टाइप से फाइंड करते हैं, जिसमें कुछ ऐसी जगह पे ऐसे नंबर्स दिए होते हैं उसके लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं मेथड का। कॉमन यानी जनरली हम लोग कैसे कंपेटिटिव एग्जाम में निकालते हैं हम वो भी आपको समझा रहे हैं, और आपका ये जो लॉगरिथम है एल्गोरिथम मेथड इसको भी समझाएंगे। आइए मेरे साथ, मैंने पहला पार्ट लिया 135 एंड 225। अब इसमें से देखेंगे, देखिएगा जो थर्ड मेथड है, मैं पहले थर्ड मेथड समझा रहा हूं जनरली हम लोग यूज करते चले जाते हैं। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसी नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, ऐसा नंबर सेलेक्ट करिए यहां पर। तो इससे पहले जो वीडियोज हमने आपको नंबर सिस्टम के दिए थे, नंबर सिस्टम में डिवाइड रूल समझाए थे, उस डिवाइड रूल के आधार पर इसे 5 से डिवाइड किया जा सकता है, देखना मत भूलिए। जो नंबर सिस्टम की वीडियोज हमने दिए थे वो इसीलिए दिए थे कि अगर समझ जाएंगे तो बिना सोचे समझे आप बड़ी सरलता और आसानी से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टू जा 10,
थ्री और फाइव, फाइव सेवेंजा, और फिर इसको फाइव फोर जा ट्वेंटी और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। फिर इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, जी ऐसा नंबर सेलेक्ट करिए कि ये दोनों डिवाइड हो। तो सेवन प्लस टू नाइन, फोर प्लस टू नाइन इक्वल टू नाइन, तो नाइन अंकों का जो सम है वो नाइन आ रहा है, तो नाइन से तो डिवाइड हो जाएगा। नाइन थ्री जा नाइन फाइव जा, अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों अंक को डिवाइड कर दे, संख्या को डिवाइड कर दे। है कोई संख्या? अरे तीन है तो केवल तीन को तो डिवाइड करेगा, फाइव तो को करेगा नहीं। फाइव से अगर लेंगे तो फाइव को डिवाइड करेगा, थ्री को तो डिवाइड नहीं करेगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो तीन और पांच को भाग कर दे। तो वहीं पर ब्रेक लगा लेना है आपको। अब इधर वाली इन संख्याओं को गुणा कर लेना है, तो फाइव इंटू नाइन, तो फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव। अब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 45 आएगा। अब आइए इसमें वन, अब इसका फैक्टर मेथड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फैक्टर मेथड कहते हैं, फैक्टराइजेशन के द्वारा यानी गुणनखंड विधि द्वारा बोलते हैं। तो 135 का गुणनखंड करिए, यानी कौन सी ऐसी छोटी संख्या जो इसको डिवाइड कर दे, प्राइम नंबर लेते हैं सर, तो फाइव है लास्ट में, वन जा फाइव है तो फाइव से डिवाइड हो जाएगा। तो फाइव से डिवाइड करेंगे, फाइव टू जा टेन और फाइव सेवन जा, फिर थ्री से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये नाइन आएगा। फिर थ्री से डिवाइड करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन ले जाएंगे, फिर थ्री से डिवाइड करेंगे वन जा, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर यानी जो गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा, वन इंटू थ्री इंटू थ्री और इंटू थ्री इंटू फाइव, 225 का फैक्टर कर लीजिए आप। फाइव से डिवाइड होगा, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा, फिर ये फाइव से डिवाइड होगा, फाइव नाइन जा, फिर थ्री से डिवाइड होगा, थ्री थ्री जा, और फिर थ्री से डिवाइड होगा, वन आ जाएगा। इस प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, वन इंटू थ्री इंटू थ्री। अब इस थ्री के नीचे ये प्लेस खाली रहेगा, अब फाइव इंटू फाइव और एक थ्री आपके पास, यहां पर दो देखिएगा, टू थ्री और टू फाइव लिख लिया इस प्रकार से। अब यहां पर देखा जाता है कि दोनों में क्या फाइंड कर रहे हैं आप, एचसीएल। ये ओल्ड मेथड है भैया, बहुत पुराना, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। अब यहां पर देखते हैं कि जो दोनों अंक, दो अंक लिखे हैं तो दो, तीन लिखे हैं तो तीन संख्याएं लिखी हैं, चार संख्याएं लिखी हैं तो चार संख्याओं का ऐसे कॉमन फैक्टर, ऐसे गुणनखंड करके हम गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्याओं का एक मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का भी मासा ज्ञात कर सकते हैं। अब तीन देखिए दोनों में है, ऐसे हम बीजगणितीय व्यंजकों का भी। अब ये तीन देखिएगा, तीन यहां पर है परंतु ये नीचे वाली संख्या में तीन इसका गुणनखंड नहीं है तो नहीं लेंगे। अब पांच देखिए यहां पर है परंतु ये दूसरा जो पांच है ये दूसरी संख्या में है, पहली संख्या में पांच नहीं है तो नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े पांच, यानी वन इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव। तो थ्री वन जा थ्री और थ्री थ्री जा नाइन, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव। इस प्रकार दूसरा मेथड आपका। अब ये जो आपका आ गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, ये मेथड आपको टेंथ क्लास के बच्चों को यूज करना है। तो टेंथ क्लास के बच्चों को एल्गोरिथम मेथड के आधार पर यूज करना है। तो सबसे पहले प्रथम आप काम एक ऐसा करेंगे, इसको हम लोग कंपरेटिव एग्जाम में जो थर्ड मेथड आपको बताया है, सबसे पहले वो हम लोग कंपरेटिव एग्जाम में जब दो से अधिक संख्याएं दी होती हैं तो उसमें यूज करते हैं, जो साधारण संख्याएं हो और जो डिवाइड हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं हम लोग। अब इसको देखिए 135 और 225। तो सबसे पहले यहां पर जो
एल्गोरिथम मेथड है, तो हमें यह डिसाइड करना होता है कि इन दोनों संख्याओं में लार्जर नंबर कौन है। तो 225 लार्जर नंबर 135 से है। तो अब यहां पर हम 225 इक्वल टू 135 इतना लिखने के बाद हम 225 को डिवाइड कर लें 135 से, तो 1 जा जाएगा, 135 आएगा, 5 से 5 लेस करेंगे 0, और 12 में से 3 लेस करेंगे 9 आ जाए, और ये यानी रिमाइंडर कितना आ गया 90। अब जब हम यहां पर आपका भागफल कितना है, 1 है, फिर उसके बाद में जिसे क्वोटिएंट कहते हैं, और प्लस रिमाइंडर कितना है 90। अब यहां पर रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, यानी फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, परंतु रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए एचसीएफ नहीं हो सकता है 135, यानी 225 और 135 का कॉमन फैक्टर 135 नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 135 को डिवाइड करेंगे किससे, 90 से। आइए 90 से डिवाइड करते हैं, किसको, 135। तो 2 जा तो 180 होगा, नहीं जाएगा, 1 जा ले जाएंगे, 5 आएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, 13 में से 9 लेस करेंगे 4, 45। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर 45 बचा, फिर यहां पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए सेकेंड स्टेप में भी आपका 225 और 135 का कॉमन फैक्टर 90 नहीं हो सकता है। तो 90 नहीं हो सकता है, तो थर्ड स्टेप में आ जाएंगे, थर्ड स्टेप में 90 इक्वल टू रिमाइंडर कितना है 45, अब 45 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर 45 को अब 90 से डिवाइड करेंगे, तो 45 टू जा 90, रिमाइंडर 0 आ गया। जब इसको ऐसे लिख लेंगे 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो 0 जब आ गया तो ये जो 45 है, ये आप कह सकते हैं 45 इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225। ये चीज अब तीन स्टेप में क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, अगर एक ही स्टेप है तो उसको यूक्लिड्स डिविजन्स लेमा कहते हैं, अब जब बार बार इसको कई स्टेप में किया जाए तो उसी को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इस पूरी एक्सरसाइज को हम स्पेशल एक 10th क्लास की एक्सरसाइज बनाएंगे। हम एक चीज ऐसा समझा रहे हैं कि हमारे कंपरेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये पावर बीटा का काम करे, बेस उनको समझ में आ जाए। वो कई ऐसे चैनलों पे जाते हैं जहां पर वो लाली पाप सीख लेते हैं और एग्जाम में जब बैठते हैं तो वो काम नहीं देता है। तो बेस जब क्लियर होता है तो उस समय जब सिचुएशन होती है, जो एग्जाम कंपरेटिव एग्जाम हाल में रूम में मन थोड़ा संतुलित नहीं रहता है तो वो ट्रिक भूल जाती है और ट्रिक के आधार पर कोई भी कंपरेटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो प्लीज कंपरेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे, बेस समझो। ये डिवाइड रूल वहां कंपरेटिव एग्जाम के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही आप ये दो पार्ट करें, 10th क्लास के बच्चे यूक्लिड्स डिविजन्स एल्गोरिथम मेथड से करें, बाकी अदर स्टूडेंट तो हम कहेंगे ये तीनों मेथड जो आपको बताए हैं इनको प्रिपेयर रखें। हमें उम्मीद है कि ये वीडियोज आपको यूक्लिड्स डिविजन लेमा और यूक्लिड्स डिविजन्स एल्गोरिथम ये दोनों मेथड क्लियर किए हैं। अब हमें कैसे चले पता चलेगा, तो आप प्लीज
इस डीपी डिफेंस एकेडमी नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया है, और पढ़ने वाले बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं कि मेरे दोस्त एक अच्छी स्टडी मटेरियल, एक टीचिंग मटेरियल मिल रही है, आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी तैयारी कर सकते हैं, आप भी अपने उज्जवल भविष्य को की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हम अपनी बात यहीं पर विराम करते हैं। वीडियो बनाने में जो कुछ भी गलती है हुई होगी उसको क्षमा करें। अंत में कहेंगे एक ही बात कि जो नियम पूर्वक नियमित ढंग से पढ़ाई करते हैं वो बच्चे अवश्य कामयाब होते हैं। कहा भी गया है, काक चेष्टाव को ये ध्यानम शान निंद्रा तत्योचा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिम पंच लक्षणम। मेरे दोस्त समझ गए होंगे मेरी बात। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट होगी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने वीडियो अंत तक आपने देखा। डीपी सर का शुभ आशीर्वाद आप समस्त विद्यार्थियों को प्राप्त हो। आपके गणित की क्लास डीपीडी सर के साथ यूट्यूब चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी अच्छा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।